नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। नैनीताल की वादियां बॉलीवुड एक्टर्स को बहुत भा रही हैं। बॉलीवुड एक्टर हेमंत पांडे इन दिनों नैनीताल की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर हेमंत पांडे शनिवार को नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता में नैनीताल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नैनीताल का रंगमंच बहुत मजबूत है और नैनीताल एक कुमाऊं का मुंबई है और ये उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि बीते 3 साल में भारत में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग हुई है और उत्तराखंड में फिल्में कमाई का एक मुख्य स्रोत बन सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से बहुत उम्मीद है। वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड का दौर बदल रहा है और असली मनोरंजन तब है जब तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठकर एक फिल्म देखें। वही फिल्मों के बॉयकॉट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्मों के बॉयकॉट से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का गुमान टूटा है, जो जरूरी है। इससे नए लोगों को मौका मिलेगा और युग परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक्टिंग में असफल होने की गारंटी है, सफल होने का चांस है। इसके साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्मों पर उन्होंने बताया कि साले आशिक और लव यू शंकर उनकी आने वाली फिल्में हैं जिनके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। जी, ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है, खली बली इसका नाम है। मनोज शर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं और इसमें ये हॉरर कॉमेडी है। इसमें मधु जी हैं, रोजा फेम और विजय राज जी हैं, राजपाल भाई हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं। और लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात या बड़ी फिल्म ये इसलिए है कि मैंने इसमें धर्मेंद्र जी के साथ काम करने का हमको मौका मिला, क्योंकि बचपन में जब गांव में रहते थे अपने पिथौरागढ़ में, तो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सोच भी नहीं पाते थे कि कभी ज़िंदगी में इनको मिलने का अवसर मिलेगा या देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमको एक्टिंग करने का अनुभव मिला उन फिल्मों में, तो मैं भाग्यशाली हूँ। और इस ये फिल्म आ रही है 16 सितंबर को, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखें। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो हो रहा है ये एक तरह का बदलाव का दौर है, पूरी तरह सकारात्मक तरीके से इसको स्वीकार कर लेना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री ने भी और लोगों ने भी, क्योंकि जब वो दिन नहीं जाते यो दिन ले नहीं रोन। यानी कि अभी लॉकडाउन के बाद तो जीवन परिवर्तन करने का मौका हर इंसान को पूरी दुनिया के मिला है। तो ऐसे में जो ये युग परिवर्तन का दौर जो हो रहा है, जिसमें सामाजिक रूप से युग परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक रूप से हो रहा है, आर्थिक रूप से हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से हो रहा है, तो ये डेफिनेटली युग परिवर्तन का दौर है। इसको हमने स्वीकार करना ही होगा और कर ही रहे हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।